तो ये देख लो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालना है थोड़ा सा मीठा सोडा भी है ये, और मीठा सोडा कितना, तो ये देखो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बन चुके हैं, ये देख लो किस तरीके से ये देख रहे हैं, इस तरीके से देखना है आपको भी। तो यहाँ पे देख लो यहाँ पे मिक्स पकौड़े बनने जा रहे हैं, इसके लिए इन्होंने लिया है 2 किलो पालक, आधा किलो प्याज और आलू, देख लो आलू भी आधा किलो है, लेकिन उसकी कटिंग देख लो किस तरीके से कर रहे हैं, एकदम बारीक बारीक कटिंग कर रहे हैं उसकी। और ये देख लो पालक, ये इस तरीके से पालक की कटिंग रहेगी, प्याज की कटिंग आप देख रहे हो इस तरीके से रहेगी। क्वांटिटी मैंने आपको बता दी है, 2 किलो पालक है, आधा किलो आलू है और आधा किलो प्याज है, कटिंग देख लिए। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, नेक्स्ट स्टेप ये इसे बनाएंगे तो क्या क्या इसमें मिलाएंगे, किस तरीके से बनाते हैं वो देखेंगे आगे। तो ये देखो यहाँ पे पालक आलू प्याज का पकौड़े बनने जा रहे हैं, जिसको आप मिक्स वेज कह सकते हो या पालक का पकौड़ा कह सकते हो। कमेंट में बताना किस चीज़ का पकौड़ा आपको ये लग रहा है। इसमें एक मुट्ठी इन्होंने डाला है नमक, अजवाइन डाली है आधा मुट्ठी, और ये आपको जो दिख रहा होगा साइड साइड में वाइट वाइट, ये कुछ नहीं है, इससे पहले इसमें कुछ और चीज़ बनाई थी फ्रेंच फ्राइज, उस वजह से जो आरा रोट है वो उसमें लगा हुआ है, तो ये मत समझना ये कढ़ाई गंदी है या पता नहीं इसमें क्या लगा हुआ है। ये देख लो ये है, क्या था भैया ये, तो अदरक लहसुन पिसा हुआ था वो डाला इसमें एक मुट्ठी, और अभी इसमें ये लाल मिर्च डाल रहे हैं मोटी कुटी हुई लाल मिर्च, ये कितना होगी भैया, तो एक चम्मच इनके हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे बड़े चम्मच होते हैं तो आपके हिसाब से ये बड़े वाले 2 चम्मच मान के चलना इनको, और वैसे भी यार मिर्च वगैरह अपने हिसाब से डालना कितनी आपको पसंद आती है, नमक मिर्च होते हैं जो। ये यहाँ पे इन्होंने डाला है आधा मुट्ठी अजीनोमोटो, ये आपके ऊपर है, आपको अगर अच्छा लगता है तो डालना, घर में तो वैसे अवॉइड ही करना ये चीज़। और अब इन्होंने इसमें डाल दिया बेसन, बेसन कितना होगा भैया ये, 250 ग्राम, तो यहाँ पे इन्होंने डाला है इसमें 250 ग्राम बेसन। तो एक बार शुरू से आपको मैं बता देता हूँ, 2 किलो पालक था, आधा किलो आलू था और आधा किलो ही प्याज था, कटिंग आपने देख ली थी उसकी कैसे रखनी है, और मसाले भी आपने देख लिए क्या क्या डालने हैं और कितनी क्वांटिटी में इसमें डालना है। अब इसको आपको मिक्स करना है, पानी वगैरह इसमें जो ऐड करेंगे वो देखेंगे कितने पानी इसमें मिलाना है, और इसको मिलाएंगे अब अच्छे से। तो भैया बेसन बताओगे कौन सा डाला था, जो एक पाव बेसन डाला आपने, तो बारीक बेसन इसमें डाला है 1 पाव, और इसको अच्छे से मिलाना है। अब आपको अच्छे से मिलाने के बाद जब ये फ्राई करेंगे तब देखेंगे इसको। तो ये देख लो अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डालना है थोड़ा सा मीठा सोडा भी है ये, और मीठा सोडा कितना होगा ये, आधा चम्मच भैया ने इसमें मीठा सोडा डाला है। अब इसको अच्छे से मिलाना है आपको। तो भाई आपने देख लिया था इसमें क्या क्या मिलाना है, आखिरी में थोड़ा सा इसमें सोडा डाला था मीठा सोडा, उसको अच्छे से मिलाने के बाद ये देख लो इसका बिल्कुल बैटर ये रेडी हो चुका है इसको फ्राई करने के लिए। तो देखेंगे तेल कितना गर्म रखना है, कितनी आँच में और कितनी देर तक इसको पकाना है वो आगे देखेंगे। तो ये देख लो यहाँ पे हमारे पालक के पकोड़े या मिक्स वेज के पकोड़े आप जो बोलोगे इसे वो फ्राई कर रहे हैं यहाँ पे। तेल आपको नॉर्मल गर्म रखना है बिल्कुल, और क्या कहते हैं जो इसकी आँच होगी वो एकदम धीमी रखनी है। और कितनी देर में भैया पक जाएंगे ये, इसको भी 10 मिनट लगेंगे पकने में। तो चलो इसे आप पकने देते हैं 10 मिनट के लिए, जब ये पक जाएंगे या भैया जो भी करेंगे इसमें वो आगे देखते हैं। और जब आप ये पकोड़े बनाओगे ना तो इनको ऐसे निकाल के देखते रहना, टच करके देखते रहना तोड़ के कि कितने पक गए हैं, उस हिसाब से अंदाज़ा लगाना। यहाँ पे ज़्यादा क्वांटिटी बन रही है और जो इनकी भट्टी है वो भी काफ़ी बड़ी है, तो उस हिसाब से इन्होंने बोला 10 मिनट, घर में हो सकता है ये 4 मिनट में, 5 मिनट में, 3 मिनट में भी पक सकते हैं। तो आप एक बार इनको ऐसे बाहर निकाल के हाथ से दबा के देख लेना। तो ये देखो ये ऑलमोस्ट यहाँ पे बन चुके हैं, ये देख लो किस तरीके से ये देख रहे हैं, इस तरीके से देखना है आपको भी। तो चलो इन्हें पकने देते हैं अभी, जब ये पक जाएंगे तब मैं आपको दिखाऊंगा जब ये इसको बाहर निकाल देंगे। तो ये देखो यहाँ पे हमारा ये पालक पकौड़ा रेडी है, लेकिन अभी इन्होंने इसको फुल डन नहीं करा है, क्योंकि जब शाम को गेस्ट आएंगे तभी इसको 1-2 मिनट के लिए और फ्राई करेंगे, फिर ये फुल डन हो जाएगा। कोशिश करेंगे अगर हम तब तक रुकेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे इसकी फाइनल शक्ल, लेकिन अगर वो नहीं हो सका तो ये देख लो ये यहाँ पे आपका बनके रेडी है। आप लोग एक ही बारी में फुल डन इसको कर देना, 5-7-4 मिनट लग सकते हैं इसको रेडी होने में। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, पालक पकौड़े की या मिक्स वेज पकौड़े की, जो भी आप इसे बोलो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।